हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम बताएंगे जो कि आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। देखिए, ये जो प्लांट्स होंगे, एक तो ये परमानेंट होंगे, हमेशा रहने वाले आपके गार्डन में होंगे और ये फ्लावरिंग भी करेंगे। और इन सबकी कटिंग आप जो है थ्रू आउट रेनी सीजन, मतलब पूरे बरसात भर खूब आराम से लगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो और फ्रेंड्स ये कटिंग आसानी से लग भी जाती है। तो आज जो है इस वीडियो में हम आपको जो है केवल उन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम बताएंगे। अच्छा, ये मेरे कटिंग के वीडियोस हैं, ये कई उसमें आएंगे, सीरीज में आएंगे। तो सबसे पहली सीरीज ये परमानेंट प्लांट्स की है जो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उन प्लांट को जल्दी से लगाइएगा, आप कहीं से भी मिल सकते हैं, इस समय पार्क वगैरह में भी मिल जाएंगे आपको, रोड साइड में भी मिल जाएंगे। और कहीं नहीं मिलते हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ जा करके देखिएगा, कटिंग आसानी से मिल जाती है। तो कौन कौन से प्लांट है हम बताते हैं। देखिए, जैसे मैंने अपने गार्डन को, टेरेस गार्डन को फ्री में ही हरा भरा करा है, तो ऐसे आप भी अपने गार्डन को हरा भरा कर सकते हैं उनको कटिंग से ग्रो करके। मेरे टेरेस में जो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम प्लांट्स जो है ये कटिंग से ग्रो करे गए हैं। चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन से प्लांट जो है कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हम सबके तो आपको नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ हमने मेन से आपको बता रहे हैं जो कि कॉमनली सभी जगह अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला हिबिस्कस, हिबिस्कस का कोई भी कलर हो, कोई भी वैरायटी हो, सभी दोस्तों कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती हैं। फिर ये वाली चांदनी ये भी ग्रो हो जाती है। इवन जो डबल वाली चांदनी आती है ना, वो भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। जैस्मिन की सभी वैरायटीज़ ग्रो होती हैं अच्छे से। नेक्स्ट नंबर में है यहाँ पर ये वाला ओलियंडर। ये इस ओलियंडर में जो है पिंक फ्लावर आते हैं, इस समय नहीं है, बहरहाल इसमें रेड वाला भी आता है, वाइट भी आता है, सिंगल पेटल भी, डबल पेटल भी। ये इजिली सड़क के किनारे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप ग्रो कर सकते हो। ये है रतन ज्योत, जिसको कि जेट्रोफा भी बोलते हैं। छोटे छोटे से रेड कलर के फ्लावर ये सारे साल ही आते रहते हैं, बीच बीच में रुक रुक के आते रहते हैं। और ये थनबर्जिया की कई बार मैंने कटिंग लगाई है, थोड़ा सा फ्लावरिंग आने में टाइम लगता है इसको, जब आप कटिंग से लगाओ, लेकिन फिर खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये है श्रिम्प प्लांट, श्रिम्प। ये श्रिम्प के फूल देख रहे हैं, इसको तो मैंने भीषण गर्मी में भी कटिंग इसकी लगाई थी, तब भी ग्रो हो गई थी। अभी मैं भी उसका फ्लावर दिखाती हूँ, वो फ्लावरिंग भी करने लगी है। और ये वाला है नाग चंपा, ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं, अच्छी खुशबू भी हल्की हल्की आती है। इसकी पत्तियाँ देखिए नाग की तरह होती हैं, नाग के फन की तरह, इसलिए बोलते हैं, कटिंग से ग्रो हो जाती है। और ये हमारा एग्जोरा को भी मैंने कटिंग से ग्रो करना आपको बताया है। बहुत डिफरेंट कलर के एग्जोराज आते हैं, सभी आप उसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये वाला है अरेलिया, मेरे ख्याल से अरेलिया ही है, बहुत प्यारा लगता है। देखिए इस तरीके के फूल आते हैं, इसमें भीषण गर्मी में थोड़ा फ्लावरिंग रोक देता है, कटिंग से ये ग्रो हो जाता है, थोड़ा सा इजी ग्रोइंग प्लांट है। और ये है एरेंथमम, ये वाला फूल तो इसके बहुत सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन जो वेरिएशन ये पत्तियों का ये रहती है ना, ये ज़्यादा सुंदर लगते हैं, डिज़ाइनदार पत्तियाँ। और ये हमारा लेंटाना, कॉमन सभी जगह अवेलेबल होता है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो, लेकिन कटिंग जो है बहुत सॉफ्ट वाली मत लीजिएगा, थोड़ी सी हार्ड लीजिएगा, चलेगा, ये भी ग्रो होगा आपका। और ये कनेर बहुत कॉमन, सब जगह मिलने वाला, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, इसको लगा के देखिएगा, आजकल तो इसके कई सारे रंग भी आने लगे हैं। ये बीज से भी ग्रो हो जाता है, ये जो बीज फॉर्म होती है ना, इससे भी होता है। मेरा ये वाला प्लांट बीज से ही लगा हुआ है, लेकिन बाद में इसकी मैंने कटिंग लगा करके कई लोगों को दिया भी है, तो ये कटिंग से ग्रो हो जाता है आसानी से। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है ये हमारा मोगरा बेला, सभी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, बहुत खुशबू बिखेरते हैं, आप अभी भी लगा सकते हो, इस समय कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगी आपकी। ये देखिए मेरा डबल पेटल का है ये, और इसको लेयरिंग से भी आप ग्रो कर सकते हो। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे जैसे रेनी सीज़न आने लगता है ना, इसके फूलों का साइज़ खूब बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के इसके फूल निकलने लग जाते हैं। और एलामांडा का जो वीडियो येलो वाला कलर था, उसका वीडियो हमने बनाया था, मौका लगेगा तो इस बार भी वीडियो बनाएंगे इसका, तो एलामांडा आपका ग्रो हो जाता है। और ये वाला जो है साथ में
ये टिकोमा, टिकोमा का कई वैरायटीज़ आती हैं, सभी आपकी कटिंग से ग्रो हो जाती हैं। थोड़ा सा आप जो है ये 1 साल पुरानी ब्रांच लीजिएगा, देखिए हार्डी टाइप की ऐसी रहती है ना, तो ये ग्रो हो जाता है। और फ्रेंड्स बहुत कम देखभाल में चलता है, इवन टेरेस की फुल सनलाइट में भी चल जाता है। और ये पुलमेरिया, ये भी चंपा की वैरायटी है, बहुत प्यारे फूल आते हैं। लास्ट ईयर मैंने इस बड़े प्लांट को रिपॉट कर दिया था और मैंने इसको अपने इस गमले में लगाया था। देखिए कितना बड़ा प्लांट है, अभी भी चल रहा है, बिल्कुल हेल्दी है। साथ में ये बोगनविलिया, बोगनविलिया हर जगह अवेलेबल रहता है फ्रेंड्स, रेनी सीजन में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप अलग अलग कलर्स के ले करके इसको लगा सकते हो। और ये है वेडेलिया, वेडेलिया दोस्तों लेना है तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, इसमें मिली बग्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब हो सकता है मैं इसको हटा भी दूँ यहाँ से। और ये देखिए श्रिम का प्लांट, मैंने गर्मी में इसको कटिंग से ग्रो किया था, देखिए कितना प्यारा फूल लग रहा है। अब ये पूरा खिलता रहेगा, ठंडक में भी खिलता रहता है, ये बहुत अच्छा प्लांट है। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।